हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दानिश परान यूट्यूब चैनल में। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले वर्डप्रेस के बारे में, किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पूरा शॉर्टकट में आपको पूरा वर्डप्रेस समझा दूंगा, किस तरह से आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इमेज ऐड कर सकते हैं, किस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते, किस तरह से पेजेस बना सकते, किस तरह से पोस्ट क्रिएट कर सकते। तो पूरा डैशबोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपरली तरीके से समझोगे किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं। अगर आप नए हैं या फिर आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी पता नहीं अगर वर्डप्रेस के बारे में, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसके अंदर पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं, या फिर किस तरह से इसके फंक्शन वर्क करते हैं, किस तरह से इसका एडमिन पैनल वर्क करता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते। उसी के साथ साथ देखिए, जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले आपको चले जाना है आपकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप आ चुके हैं। सबसे पहले आपको आपका एडमिन पैनल ओपन कर लेना। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आप लोग सबसे पहले आपके यूआरएल पे जाना है। यहाँ से आपने लिखना है WPU डैश और आगे लिखना है लॉगिन। ओके, इस तरह से और एंटर कर देना है। जैसे आप इंटर कर दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से आपका जो है यूज़र इंटरफेस आ चुका है। ओके दोस्त, आप देख सकते हो इस तरह से ये डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ शॉर्टकट में यहाँ पर सब कुछ समझा देता हूँ, जिससे आपको जो है समझ में आसानी होगी। और आपको इसमें डिटेल्स वीडियो देखना है तो मैं एडिटर में उसका लिंक दे दूँगी, या फिर आपको जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ओके, तो इस डैशबोर्ड का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगी वेबसाइट किस तरह से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से इसका करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं इसे पहले इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, किस तरह से वेबसाइट दिखाई दे रही है। कुछ इस तरह से नया बार, और यहाँ पर होता है स्लाइडर या जो कुछ भी हम डालना चाहते हैं, और राइट साइड में होता है साइड बार। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते, ये लोगो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये सबसे ज़्यादा सभी वेबसाइट में होता है कस्टमाइजेशन में। ओके, तो कस्टमाइजेशन यहाँ पर क्या होता है आप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना होता है और यहाँ पर एक सेक्शन होता है कस्टमाइजेशन। ओके, इस पर राइट क्लिक करके मैं ओपन कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपकी पूरी सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो आपने वन बाय वन सबको चेक करते जाना है। ओके, तो लेकिन इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे साइट आईडी पर, यहाँ पर मेरा लोगो दिखा दे रहा है। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आपका आइकॉन डालना है तो यहाँ से भी डाल सकते हो, फ्री आइकॉन इस तरह से कर दे। यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, और अगर मैं फ्री आइकॉन जो यहाँ पर दिखता है ऊपर वाला, वो अगर मेरे को दिखाना हो तो मैं लोड मोड कर ले, तो मैंने इसे स्टार्टिंग में ही डाल दिया था ये वाला, लेकिन यहाँ से क्यों गायब हो गया मुझे कुछ पता नहीं, फिर मैं यहाँ पर आपको डालकर बता देता हूँ। ओके, यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर जो क्रॉप पर क्लिक करना है, यहाँ से आ जाएगा और ये आपको ऊपर देखते यहाँ पर दिखने लग जाएंगे, यहाँ पर पब्लिश कर देना है। ओके, तो इस तरह से ये ऊपर का हो गया। उसके बाद अगर आपको नीचे देखना है तो यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर आप अगर बॉक्स लेआउट करना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर पूरा बॉक्स लेआउट आ जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। अगर आपको बॉक्स लेआउट नहीं चाहिए, आपको फुल चाहिए, तो यहाँ से आप अगर ऑफ करते हो ये टोटली आपको जो फुल इसमें दिखाई देगा, इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप स्लाइडर देख रहे हो। ओके, ये स्लाइडर आपको जो है कहाँ पर देखने में मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ही एक सेटिंग होती है स्लाइडर की, अगर आप इसको रखना चाहते तो ऑन कर सकते, अदरवाइज यहाँ से आप जैसे ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सेटिंग मैं आपको बता दूँ, ये सेटिंग हर एक के जो थीम होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ओके, तो इस तरह से ये जो है मैनुअल आप यहाँ से जो है कर सकते हैं, या फिर इसका डॉक्यूमेंट्स भी होता है थीम का, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। आप देखोगे अगर हेडर की बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप बार में अगर कुछ चाहिए तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करो तो ऊपर जो टॉप बार आ जाएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा वेट करो, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे जो है बंद रखूँगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, थीम के अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पे, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे सेव नहीं करता हूँ। ओके, तो आप देखोगे फिर से मैं बैक आ चुका हूँ डैशबोर्ड पर। ओके, तो यहाँ पर कुछ मेनू होती है, ये भी मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ओके, जैसे आप कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो कुछ यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, प्लगइन मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल होते हैं उसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करते हो जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिलता है, उसी तरह वेबसाइट के अंदर भी अगर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने होते हैं या फिर कुछ एडवांटेज लेना होता है तो यहाँ पर आपको जो प्लगइन मिलते हैं, जैसे ऐप होते हैं वैसे प्लगइन होते हैं, कुछ हर चीज़ का यहाँ पर प्लगइन मिल जाएंगे। जैसे आपको कुछ डालना है उसका प्लगइन मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ पेमेंट गेटवे डालना है, या फिर आपको पोस्ट डालनी है, बहुत कुछ ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ प्लगइन की सेक्शन पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर मैं ओपन कर आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन यहाँ पर ऐड किए। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ऐड इंसर्ट प्लगइन, ये आपको जो गूगल एडसन के
ऐड दिखाने के लिए होता है। उसके बाद ऐड डॉक्स, ये भी आपको जो है गूगल एडसन के जो कोड है वो डालने के लिए अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 देखोगे, यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट पेज होता है वहाँ पर जो फॉर्म यूज़ किया है वहाँ पर जो है यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखा दे कॉन्टैक्ट पेज पर अगर ये फॉर्म है, ये फॉर्म देख सकते हैं, इस फॉर्म के लिए जो है इस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ होता है। ओके, इस तरह से बहुत सारे आपको जो है प्लगइन देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम वन बाय वन सबसे यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको आपको पूरा जो आपका एनालिटिक है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। मैं नीचे नहीं करता क्योंकि इसका जो एनालिटिक सब कुछ आपको दिखाई देगा। कुछ सिक्योरिटी के लिए आपको जो हैड भी करके रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अगर मैं नीचे करूँ तो आपको बहुत सारे यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक मैथ का दिखाई देगा, यहाँ पर आप जो क्विक स्ट्रैप या फिर साइड किक के जो एनालिटिक है सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते आप देखोगे साइड क्लिक। ओके, साइड किक ये भी एक प्लगइन है जहाँ पर आप जो है हर तरह की आपकी वेबसाइट की सेटिंग कर सकते हो। आप एनालिटिक देख सकते हो, उसी के साथ साथ आपकी अर्निंग देख सकते हो, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो है अच्छा खासा आपका जो है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आप देख सकते हो। यहाँ पर सर्च कंसोल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एडसन ऐड कर सकते हो, एनालिटिक ऐड कर सकते हो, उसी के साथ साथ पेज इनसाइट भी आपके जो है स्पीड यहाँ पर देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हो, ये सबसे ज़्यादा मेन है पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, आपको जो जो भी आप लिखना चाहते हैं पोस्ट, जो भी ब्लॉग पोस्ट होती है यहाँ से लिखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत सारे पोस्ट लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से पोस्ट लिखी हुई है। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाते हो तो इस तरह से अगर मैं किसी को एडिट करके दिखाऊँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आ जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोस्ट हुए। ओके, तो इस तरह से मैंने कुछ पोस्ट लिखी है, आप भी इस तरह से लिख सकते हो। और आप देख सकते हो मेरा हर पोस्ट है 84-81 ग्रीन के अंदर ही। मैं आपको सब पोस्ट भी दिखा दूंगा। इस तरह से आप एसईओ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से पोस्ट लिख सकते हो। ओके, इस तरह से यहाँ से पोस्ट लिखी जाती है। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे आते हो, यहाँ पर है मीडिया। मीडिया मतलब आप जो भी इमेजेस सब डालते हो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। मीडिया के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे आपको जो इमेजेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जो है पर आप जितने भी इमेज अपलोड करेंगे सब यहाँ पर आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पेजेस। पेजेस भी इस पोस्ट की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ब्लॉग अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर मोच के 6-7 ही पेज होते हैं। जैसे कि आप देखोगे अबाउट, ब्लॉग, होम, उसके बाद जो है प्राइवेसी पॉलिसी या फिर वेब स्टोर, ये जो 4-5 जो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, इस तरह से 5-6 पेजेस होते हैं आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर अगर आप ब्लॉग बनाते हो। अदरवाइज अगर आप दूसरी वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर अलग अलग आपके अकॉर्डिंग आपके सर्विस के अकॉर्डिंग या फिर आपके काम के अकॉर्डिंग सारे जो पेजेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर कमेंट का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपके वेबसाइट पर जिसने भी किसने कमेंट करी होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो मैंने बहुत सारे कमेंट जो ट्रैश में डाल चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो कमेंट देखने को मिलेंगे। इस नीचे आते हैं फिर से FAQs। FAQs के अंदर क्या होता है, यहाँ भी आप जो है प्लगइन यूज़ किया है FAQs का। ओके, यहाँ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लगइन यूज़ किए मैंने जो मेरे काम के। ओके, FAQs अगर आप यहाँ पर जाते हो तो अगर मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ तो जो नीचे होते हैं वो आपको जो है FAQs बहुत ही काम की चीज़ होती है आपके ब्लॉग वेबसाइट के अंदर। अगर हम नीचे आते हो तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक FAQs है। ओके, तो FAQs से क्या होता है, जब भी आप गूगल पे कुछ डालते हो तो वहाँ पर जो FAQs सेक्शन आता है जहाँ पर आपको ज़्यादा रैंक करने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर स्टोरी, मेक स्टोरी का जो प्लगइन है। मेक स्टोरी में आपको पता होगा कि यहाँ पर आप जो है वेब स्टोरी, गूगल वेब स्टोरी बनाकर इस तरह से जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वेब स्टोरी बनाते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो आपको पता ही होगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। इस तरह से आप देख सकते हो कुछ मोबाइल की तरह यहाँ पर दिखाई देता है, शॉर्ट आपको दिखाई देता है यूट्यूब के अंदर, वहाँ इस तरह से गूगल के अंदर ये आपको दिखाई देगा। ओके, तो फिर से आ जाते हैं हम यहाँ पर फिर से हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टैक्ट 7 है। ओके, कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो भी आप फॉर्म डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर अगर आप जाते हैं कॉन्टैक्ट के पेज पर तो यहाँ पर आपको जो ये फॉर्म दिखने मिल रहा है, इस तरह का फॉर्म अगर आप बनना चाहते हो, अगर आप कोई भी बंदा आपका अगर कुछ कहना चाहता है या फिर आपसे संपर्क करना चाहता है तो यहाँ पर वो जो है मेल डालकर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट जो भी ऐड करोगे तो वहाँ पर आप उसका कोड डाल दोगे इस पेज पे, तो ये इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ से जो भी बंदा आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रैंक मैथ, ये भी एक प्लगइन है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ये भी अगर आपको जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि रैंक मैथ किस तरह से यूज़ करते हैं।
उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये एक सेक्शन है एलिमेंट का। ओके एलिमेंट ये एक सेक्शन होता है पूरा एडिटर का, जो एडिट करने के लिए यहाँ पर जो मिलता है उसे आप पेज बिल्डर भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाता हूँ किसी पर्टिकुलर पेज पर, यहाँ पर ये आप देख सकते हो एलिमेंटर यहाँ पर, उसके इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए 2 कॉलम 4 कॉलम जैसे आप डिज़ाइन करना चाहते हो उस तरह से यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे 3 कॉलम का सेक्शन चाहिए। ओके यहाँ मुझे अगर इमेज डालनी है तो यहाँ से मैं इमेज ले डालूँगा, यहाँ से इमेज अपलोड कर दूँगा। ओके इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आप यूज़ करना चाहिए आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर भी दूसरी इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर फिर से आ जाऊँगा, फिर से यहाँ से इमेज डाल दूँगा। ओके उसके बाद फिर से यहाँ पर आ हुआ तीसरी इमेज पर यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरह से। ओके तो इस तरह से आप यहाँ पर सेक्शन बना सकते हो। ओके तो ये हो गया इसका यूज़। ओके उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर टेम्पलेट। देखो ये टेम्पलेट जो होते हैं, आप अगर टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो पर्टिकुलर सेक्शन बनाकर, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आते हो आपने इस तरह से सेक्शन बनाया और आपको यही सेक्शन हर बार दूसरे तरफ भी चाहिए लेकिन आपको बनाना नहीं है, तो आप सिंपल सा इसे जो है टेम्पलेट सेव कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग होती है, अगर आप इसे टेम्पलेट कर सेव कर देते हो तो ये पूरा सेव हो जाएगा। ओके और आप जो है सिंपल सा वहाँ जाकर वही सेक्शन आप जो है कॉपी कर वहाँ से जो है फिर से वही सेक्शन 1 सेकंड के अंदर बना सकते हो। इस तरह से शॉर्टकट होता है टेबलेट में। उसके बाद आ जाते हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले थीम होता है, आप थीम जो भी डालोगे सर यहाँ आपको दिखाई दिए आपने कौन सी थीम डाली है क्या कुछ किया है। ओके उसके बाद नीचे आते यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगो चेंज कर सकते हो और बहुत कुछ यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते ये पर एक विजिट होता है। विजिट के अंदर क्या होता है, जो भी आप डेली मेड कुछ चीज़ें करते हो, जैसे कि यहाँ पर विडेज के अंदर आप जाओगे तो थीम वाइज यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप जो है देखोगे ऊपर द मेन साइड बार, साइड बार मतलब आपके वेबसाइट में यहाँ पर एक साइड बार होता है जैसे कि ब्लॉग के अंदर हर किसी के पास होता है। अगर मैं यहाँ से आपको ओपन करके बताऊँ कुछ इस तरह से, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो राइट साइड हम देखोगे जितनी भी चीज़ यहाँ पर डाली है राइट साइड बार में, तो यहाँ से डाली आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर ऐड लगी है। ओके तो अगर आप यहाँ पर आओगे ऊपर तो यहाँ पर ऐड है, शो नहीं करी लेकिन कुछ देर बाद शो करेंगी। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब लेटेस्ट पोस्ट दिखाई दे रहे। उसके बाद यहाँ पर मैंने फीफा आईपीएल इस कैटेगरी टाइप डाला, आप देख पाओगे यहाँ पर मेनू। अगर आपका मेनू यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका मेनू है और ये मेनू में आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर जाते हो मेनू के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ से आप मेनू ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो कुछ भी करना है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सब मेनू है आपको। अगर कोई ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो और ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर से यहाँ पर आ गया। ओके ये नहीं चाहिए आपको रिमूव करना है, पर्टिकुलर यही इतना रिमूव करना है। अगर आप डिलीट कर दोगे तो पूरा मेनू ही डिलीट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर रिमूव करना है तो इतना जो मेनू है डिलीट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके इस तरह से। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पर हेडर, ये कुछ इतना मेन नहीं, बैकग्राउंड इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर थीम होती है, अगर आपकी थीम में कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पर यूज़ किए हीट मैक थीम, तो यहाँ पर उसके अंदर थीम में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप जो है थीम में चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंजेस करना है। ओके उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो अल्टीमेट सोशल, ये भी एक प्लगइन है, इसका भी कुछ इतना ही नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी, ये भी एक प्लगइन है, सिक्योरिटी आई थीम कर आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर भी एक स्मश नाम का जो है प्लगइन, ये भी मैंने जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया है। उसके बाद नीचे आते लाइट क्या जे, यहाँ पर भी मैंने जो है एक प्लगइन यूज़ किया है। ओके तो इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन है लेकिन इसके अंदर से जो 3-4 काम की चीज़ है वो जो पोस्ट, उसके बाद यहाँ पर पेजेस। ओके उसके बाद अगर नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस, उसके बाद प्लगइन और उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग। इस तरह से ये जो है ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ओके यहाँ से आप अगर यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ तक बता दिया। उसके बाद अगर प्लगइन आपको कुछ डालना है तो यहाँ पर आओगे आप तो इस पर क्लिक करते हो तो आपको पूरे जितने आपने प्लगइन यूज़ किए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ अलग ऐड करना है यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको जो न्यू प्लगइन यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो भी करना है इस तरह से ऐड कर सकते हो। अगर आप जिसमें नहीं है तो यहाँ से भी आप जो है जो भी आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। इस तरह से अगर मैं ऐड टेस्ट में लिखता हूँ ओके तो आप देखोगे नीचे इस तरह से ऐड गया। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। ओके उसके बाद यहाँ पर नीचे आते टूल्स के अंदर भी कुछ इतना खास चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग देखने को मिलेंगे। आपकी वेबसाइट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि जनरल सेटिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, या पर मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर जो कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हो। ओके तो इस तरह से आप जो है ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ वर्डप्रेस की, पूरा आप जो है ट्यूटोरियल देख सकते हो या फिर
आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया शॉर्टकट के अंदर कि किस तरह से इसका जो है ओवरव्यू था डैशबोर्ड का। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।